नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका। और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर। दर्शकों, आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई ज़्यादा रोशनी से है जो, या फिर आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से सर में दर्द होता है, ये किस वजह से होता है, किन कारणों से होता है, इसी पर आज हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि तेज रोशनी से या फिर तेज आवाज से अगर सर में दर्द हो तो ये किन कारणों से हो सकता है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो कंप्लेन है वो दर्द का है। दर्द जिसको अंग्रेजी में हम पेन कहते हैं, ठीक है। अब ये पेन यदि सिर में हुआ तो उसको हेडेक कहते हैं, पेन यदि सिर में हुआ उसको हेडेक कहते हैं, सीना में हुआ चेस्ट पेन कहते हैं, पेट में हुआ पेन एब्डोमेन कहते हैं, बैक में हुआ पीठ में तो उसको बैक पेन कहते हैं। तो हेडेक जो है उसका बहुत प्रकार है, उसी में एक प्रकार जो बहुत कॉमन जिसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन। अब आदमी जो पब्लिक है वो कंफ्यूज रहती है कि हमको सिर में दर्द हो रहा है तो ये माइग्रेन ही है या कुछ और है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपको पेन सुबह में होता है, शाम में होता है, किस तरह का पेन होता है। तो जो कॉमनली माइग्रेन का पेन होता है मैडम, वो लेट राइजर्स को होता है, जो लेट से जगते हैं। जो लेट से जगेंगे उनको पेन होगा, और यूजुअली यूनिलैटरल होता है, ये एक साइड होता है, सिर्फ एक साइड, या तो दाहिना होगा या तो बायां होगा, और ये मोस्टली फ्रंटल और टेम्पोरल एरिया में होता है। कैसा होता है? पीरियोडिक, ये बने रहरा के पेन होगा, रहरा के भूख 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 के पेन मारेगा, इसी को हम लोग माइग्रेन कहते हैं। ये तेज रोशनी, तेज आवाज़ से पेन बढ़ जाता है। अब कहिएगा कि तेज रोशनी से आवाज़ से क्यों पेन बढ़ता है? तो पेन जो है बचाव का सबसे पहला कारण है। आपको कोई बीमारी होने के पहले पेन होता है, यूजुअली, सब बीमारी में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बीमारी में पहले पेन ही होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सुपर सेंस हैं, आँख, नाक, कान, गला और त्वचा, ये सब कोई जानता है ना? ये कहाँ होता है? आँख, नाक, कान, देखिए ये हेड में ही है, ये आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये हेड में ही है। तो ये सेंसिटिव ऑर्गन्स में है, ये सेंस ऑर्गन्स में है ये, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। जब रोशनी पड़ेगी आँख में तो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, या कान में तेज आवाज जाएगी स्टिमुलेट करेगा, तीता खाएंगे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये हेडेक कॉज करता है, इसी को हम लोग माइग्रेन करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग अधकपाली भी कहते हैं, माने आधे कपार में दर्द हुआ। यूजुअली ये लेट राइजर्स को होता, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मेरी सलाह होती है रात में सवेरे सो जाइए, सुबह सवेरे जग जाइए, हेडेक से दूर रहिएगा। और जैसा कि सर आपने ये बताया कि ये लेट राइजर्स को होता है ज़्यादातर जो लेट से उठते हैं, अगर आज के युवाओं की हम बात करें तो ज़्यादातर जो युवा है वो लेट ही उठते हैं, तो क्या ये बीमारी युवाओं में ज़्यादा देखा जाता है? जी, माइग्रेन यूजुअली जो एडोलिसेंट होते हैं मैडम, मतलब 12 से 20 साल के आसपास होते हैं, या जो यंग एडल्ट हैं, यहीं से शुरू होता है। उसकी वजह है हमारे रख रखाव में, हमारे दिनचर्या में परिवर्तन। आज क्या हो गया है, युवाओं पर इतना टेंशन है पढ़ाई लिखाई का, वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, जो किसी प्रकार भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दुनिया में हर जीव रात में सोता है, इंसान ही है जो रात में मजबूरन पढ़ता है। अब जो रात में पढ़ेगा उसको दिन में सुबह लेट से उठेगा, वो सुबह लेट उठेगा उसको सिर दर्द होना ही होना है। कोई ज़रूरी नहीं कि माइग्रेन ही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको सिर दर्द हो ही, लेकिन यूजुअली सिर दर्द होता है उसको है। तो मेरी सलाह है सवेरे जगें, वो सवेरे जग के अपनी दिनचर्या कर लें, फिर पढ़ाई लिखाई करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो हमने ये समझा कि जो लेट राइजर्स होते हैं, यानी कि जो लेट से उठते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है, जो माइग्रेन की बीमारी होती है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाए और जल्दी जाग जाए। दर्शकों, आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।